अवैध शराब की धरपकड़ को लेकर पुलिस कप्तान के निर्देश पर रिवाड़ी पुलिस की कार्यवाही काबिले तारीफ है, जिसके चलते शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन बदमाशों में अभी पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। इसी के चलते बाजार में शॉपिंग करने गए एक युवक को स्कूटर पर सवार तीन बदमाशों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक को रिवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिवाड़ी की कंकरवाली का रहने वाला राजकुमार उर्फ बिल्लू शॉपिंग करने के लिए बाजार गया था। जब वह एक दुकान से सामान खरीद रहा था, तभी वहां स्कूटी पर सवार तीन युवक आए और उनमें से एक ने राजकुमार पर चाकू से हमला बोल दिया। चाकू राजकुमार की गर्दन पर लगा, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए उसे रेफर कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद बयान के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। चाकू से वार किया है, दो बार वार किया, तीसरी बार मैंने उसको धक्का दिया, सुधीर ने उसको नीचे डाला है। फिर पब्लिक वहाँ जैसे शोर सब भाई इकट्ठा हुआ, इसमें शोर मचाया है, तो वो भाग गए वहाँ से। उसको किसी जी अभी सभी मेडिकल के विषय है और उसके अंदर जो भी मेडिकल के अनुसार और स्टेटमेंट के अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की।